हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिमालयन बफ। अभी हम हैं चोपटा में, यहाँ से श्री तुंगनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। एंड आज के व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पर एंड चंचला पीक की यात्रा पर, जहाँ पे स्वयं श्री रामचंद्र जी ने, रावण और चंद्रमा जी ने तपस्या की थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय हो, जय शिव शंकर। सो गाइस, अभी हम सुबह के 4 बज रहे हैं ना, हम अपनी ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चंचला के लिए अभी हम जा रहे हैं सीधे सनराइज देखने के लिए। एंड आते हम दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे। तुंगनाथ महादेव की जय हो। तुंगनाथ दोस्तों, ये मंदिर पंच केदार में तृतीय मीन्स थर्ड नंबर पर आता है। यहाँ पर भगवान शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। एंड ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि इसे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बनाता है। हमारे पुराणों के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है और हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। एंड ये मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आगे है चंचला पीक, चंचला चोटी। चंचला पीक की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। ये पीक अपने 360 व्यूज और सनराइज के लिए फेमस है। एंड हमारी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। उसके पश्चात त्रेता युग में लंकापति रावण के वध के बाद एक ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम जी ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। और माना यह भी जाता है कि सतयुग में अपने 6 रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। गाइस, हमें चलते हुए 1 घंटा हुआ है एंड हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी हम सीधे चंचला जा रहे हैं सनराइज देखने। एंड वहाँ से आते हुए हम पूरे दिन यहीं पे वेट करेंगे, आज रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे। शंकर भगवान की जय। छः बजने में 7 मिनट हैं और हम चंद्रशिला पीक पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सनराइज ऑलरेडी हो चुका है, बट हमें बहुत अमेजिंग व्यूज़ यहाँ देखने को मिले। तो आइए दिखाते हैं आपको भी चंद्रशिला के अमेजिंग व्यूज़। सो गाइस, अभी हम चंचला पे हैं। पूरा 360 क्लियर व्यू नहीं मिल पाया क्योंकि थोड़ा सा बादल लगे हुए हैं, बट इसी को देख के काफ़ी लोग निकल चुके हैं। हमने डिसाइड किया कि हम वेट करेंगे आधे घंटे, और लगभग हमें आधा घंटा हो गया है और काफ़ी खुलने भी लगा है। एंड देखते हैं, अभी तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एंड इधर थोड़ा सा बादल ज़्यादा हैं, इधर देखोगे आप बादल हमारे नीचे जा रहे हैं। एंड अगर आप पीछे की साइड देखोगे, मैं इधर जाके दिखाता हूँ आपको, इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो उधर भी लगभग क्लियर होने लगा है अभी। बट अभी जो बेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ पे, वो पीछे का आ रहा है। We'll be right back.
दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये रामशिला है। मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद में ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे आके तपस्या की थी। और माना ये भी जाता है कि रावण ने भी यहीं पे तपस्या की थी चंद्रशिला पे, और चंद्रमा जी ने भी यहीं पे तपस्या की थी अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों, अभी हम चंद्रशिला से तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप सामने जो अभी देख रहे हैं ये माँ गंगा का मंदिर है, यहाँ माँ गंगा की पूजा होती है। तो आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं तुंगनाथ महादेव जी के। तो अभी हम तुंगनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। ये थर्ड केदार है, तृतीय केदार है, पंच केदार की सूची में, लिस्ट में। एंड यहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है। तो आइए आपको भव्य दर्शन कराते हैं श्री तुंगनाथ महादेव जी के। हर हर महादेव दोस्तों। ये पंच केदार जी, सबसे पहले केदारनाथ, मध्यमेश्वर जी, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी एंड कल्पेश्वर जी। तो जैसे रुद्रनाथ ने भोले बाबा की शिवलिंग हल्का सा टिल्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, सेम यहाँ पे शिवलिंग थोड़ा सा टिल्टेड रखी गई है। जय हो, जय भोले की। सो गाइस, तुंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब आप ऊपर आएंगे स्टेयर्स पे, यहाँ से आपको राइट मुड़ना है। एंड राइट जब आप जाएंगे, यहाँ पे भूतनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे भी आप दर्शन करें। बहुत अच्छा मंदिर है, यही भोले बाबा का ही मंदिर है।